क्यूरी हम यूज करते हैं अपडेशन के लिए, वो कहलाती है अपडेट। ऐसे आप लिखते हैं अपडेट कस्टमर, लिखते हैं सेट। फॉर एग्जांपल सेट कॉन्टेक्ट नंबर इक्वल्स टू 11111। अब अगर मैं ये क्यूरी चला दूंगा तो तमाम कस्टमर्स का कॉन्टेक्ट नंबर 1111 हो जाएगा। लिहाजा यहाँ वेयर भी लिखते हैं, वेयर फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू मिस्टर ए, कि भाई मिस्टर ए जो है उसका कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट कर दो। अब जब ये क्यूरी चलेगी और आप मिस्टर ए की डिटेल चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर चेंज, समझ में आ रही हो? ठीक है, तो ये जो अपडेट की क्यूरी है इसमें एक होता है अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर होता है सेट, फिर होता है कॉलम्स के नाम, फिर होता है वेयर, जिसमें ये कंडीशन होती है कि कौन से कॉलम की चीज जो है वो आपने अपडेट किया। हाँ, एडिट कर, मॉडिफाई कर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो ये तो लिहाजा क्या होगा कि आप जो है वो बटन क्लिक के ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई आपने वही जो है ना कनेक्शन और कमांड का ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, क्यूरी अलबत्ता हमारी चेंज होगी। अच्छा जी, अब यहां पर हम लिखेंगे वेयर अपडेट कस्टमर सेट। अब हमें सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर सेट नहीं करना है, सारी वैल्यू सेट करनी है। तो हम कहेंगे सेट नेम इक्वल्स टू यहां पे लिख देंगे यार आप txt कस्टमर नेम डॉट टेक्स्ट, फिर कॉमा करके मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट नंबर इक्वल्स टू, काफी लंबी चौड़ी क्यूरी बन जाएगी लेकिन चलें लिख देते हैं txt कॉन्टेक्ट नंबर डॉट टेक्स्ट। फिर इसी तरीके से हम, अच्छा इससे होगा ये कि अगर यूजर ने नाम चेंज नहीं भी किया है तो पुराना नाम टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा हुआ होगा तो वही हो जाएगा अपडेट। एड्रेस इक्वल्स टू फिर ईमेल, और जनाब सबसे आखिर में डेट ऑफ बर्थ। Their name equals to list box 1 dot selected id। अब ये क्यूरी बनाने के बाद आपने करना ये है कि कमांड कनेक्शन को ओपन करना है और क्योंकि ये अपडेट की क्यूरी है तो डेटा सेलेक्ट होकर आ तो रही ना, तो आप लिखेंगे कमांड डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी और फिर आप लिख देंगे कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, अगर आप चाहें तो यूजर को मैसेज दिखा सकते हैं, क्या मैसेज दिखा सकते हैं,
आप कहेंगे कि भाई जनाबे वाला, हमने जो है ना वो सक्सेसफुली आपका जो रिकॉर्ड था वो अपडेट कर दिया, कस्टमर अपडेटेड सक्सेसफुली, टेक्स बॉक्सेस भी खाली करवा दिए और डेट टाइम फिगर के अंदर वैल्यू भी सेट कर दिया, फॉर्म को रिफ्रेश करवा दिया। तो आप जब आप इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो देखिए, आप मिसाल के तौर पे मैंने इस तरह को सिलेक्ट किया, इस तरह की डिटेल आ गई, मैंने जाके यहाँ मिस्टर ए का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिया, मिस्टर ए का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने लिख दिया ए कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एड्रेस a@a.com, ठीक है, और दिसंबर के बजाय इनको नवंबर में इनकी पैदाइश कर, सही, और अपडेट पर क्लिक कर दिया। ये कह रहा है कस्टमर अपडेटेड सक्सेसफुली। चल डेटाबेस में चेक करते हैं भाई। तो डेटाबेस के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो अंदाजा होगा कि इस तरह चेंज हो, ठीक है। अच्छा, आप सपोज ऐसा हो कि मैं मिस्टर ए का नाम ही चेंज करूं, मिस्टर ए को मैं चेंज करके कर दूं मिस्टर असलम, अपडेट पे मैं क्लिक करूंगा कि कह रहा है मिस्टर कस्टमर अपडेटेड सक्सेसफुली, यहां तो अपडेट हो गया, इधर नजर नहीं आ रहा, इधर मिस्टर ए ही नजर आ रहा है। अच्छा, डेटाबेस में चेक करते हैं, डेटाबेस में भी मिस्टर असलम हो गया। अच्छा, दोबारा से फॉर्म को रन करूंगा तो फॉर्म पे अब नजर आ जाएगा मिस्टर असलम, यानी क्योंकि ये जो लिस्ट बॉक्स में नाम नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं फॉर्म लोड पे लोड हो रहे हैं, तो फॉर्म लोड पे होने की वजह से, क्योंकि फॉर्म तो दोबारा लोड नहीं होगा, ये कोड जो है वो हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा अपडेट करवाने के बाद भी, अगर हमें लिस्ट बॉक्स को भी अपडेट कराना है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, जब फॉर्म लोड होता है तो लिस्ट बॉक्स अपडेट होता है, उसमें नाम आता है, फिर जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो फिर बटन क्लिक एग्जीक्यूट होता है, फॉर्म दोबारा से लोड तो नहीं होता, सही है। लिहाजा फॉर्म लोड पे जो कोड लिखा है ना, उसको हमें कॉल करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा अपडेट के बाद दोबारा से। कैसे करेंगे देखें, उसके लिए देखें मैं जा रहा हूँ यहाँ फॉर्म लोड पे, ये सारा जो कोड नजर आ रहा है ना, इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट। क्या करा, एक तरीका तो ये कि यहाँ से कॉपी करूँ और नीचे जाके पेस्ट कर दूँ, ठीक है। एक तरीका ये है कि देखें, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्विक एक्शन एंड रीफैक्टरिंग, क्या लिखा हुआ है, क्विक एक्शन एंड रीफैक्टरिंग, इस पर क्लिक कर दिया, कह रहा है एक्सट्रैक्ट मेथड पे क्लिक कर दिया, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया जनाब अपडेट लिस्ट बॉक्स। अच्छा, आप देखिए इस विजुअल स्टूडियो ने क्या किया कि वो जो मैंने कोड सेलेक्ट किया था उसने एक अलग मेथड बना दिया अपडेट लिस्ट बॉक्स, और उस मेथड को कॉल कर लिया कहाँ पर कॉल कर लिया, फॉर्म लोड पे। इस मेथड को ही मैं अपडेट के बाद भी कॉल कर लेता हूँ, आगे मेरी बात, इसको रीफैक्टरिंग कहते हैं। रीफैक्टरिंग से मुराद ये है कि आप अपने कोड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेथड्स बनाएं, कोड बार-बार जो रिपीट हो रहा है ना, बार-बार जो रिपीट हो रहा है उसको आप मेथड्स के फॉर्म में लिखें। डिजाइन पैटर्न भी होता है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, दफा करें थोड़ा, जरूरी नहीं है कि हर चीज समझ में आए, सही है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज जो है ना वो फौरन समझ में नहीं आती। कोई आज तक ऐसी चीज है जो फौरन समझ में आ गई है?
हर चीज आहिस्ता आहिस्ता ही समझ में आती है ना। बचपन में लगता है हम ही सिर्फ हमारी हैं, बड़े होकर समझ में आता है कि नहीं भाई और भी बहुत सारे हैं। क्या ख्याल है ना? नहीं समझ में आया ना मेरी बात? आ जाए चले। बच्चे लड़ रहे होते हैं ना आपस में, क्या अम्मी मेरी है, अम्मी मेरी है, अम्मी मेरी है। क्या ख्याल है? चले छोड़ा, आप लोगों का जहन अभी बातों को नहीं सोचता। मैं आपसे ही कह रहा था कि अपडेट कस्टमर क्यूरी हमने यहाँ चला दी, सही है। तो ये क्यूरी क्या कर रही है? कस्टमर को अपडेट कर रही है। अच्छा, साथ ही साथ हमने यहाँ लिस्ट बॉक्स भी अपडेट करवा दिया, चला के देख लेते हैं। अब जैसे मिस्टर बी है, तो मिस्टर बी को हम कर देते हैं बशीर और अपडेट कस्टमर पे क्लिक करते हैं। ओहो, ये क्या हुआ भाई? अच्छा, ये हुआ ये कि बशीर भाई अपडेट तो हो गए हाँ, लेकिन पिछला क्लियर नहीं हुआ और आगे से दोबारा ऐड हो गए, तो डेटाबेस में गड़बड़ नहीं हुई है, डेटाबेस सही है। असल में वो दो दफा ऐड हो गया, तो उसका तरीका ये है कि आप अपडेट लिस्ट बॉक्स के मेथड के अंदर जाकर ये जो लिस्ट बॉक्स आप अपडेट करवा रहे हैं ना, उससे पहले आप यहाँ पे क्या करें, ये आप लिखते हैं लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर मिस्टर सी को अपडेट करवाते हैं, मिस्टर सी को कर देते हैं मिस्टर चांद, सही है, और इनको अपडेट करवा दे, मिस्टर चांद अपडेट हो गए, सही है। अब ये मिस्टर चांद अपडेट हुए लेकिन आईडी अपडेट नहीं हुई है, आईडी वही रहेगी, जो भी आईडी है इनकी वो आईडी वही रहेगी, आईडी चेंज नहीं होगी, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, सही है। आईडी अपडेट आप कर भी नहीं सकते, सही है। तो ये अपडेट की क्यूरी भी आपकी यहां पर एग्जीक्यूट हो गई। अब एक क्यूरी रह गई, कौन सी? डिलीट की। तो डिलीट की क्यूरी के लिए हम करते ये हैं कि इस फॉर्म के ऊपर टूल बॉक्स में से एक बटन ड्रैग करके ऐसा ड्रॉप कर देते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर इसमें लिख देते हैं डिलीट, सही है। और इसका कर देते हैं फॉन्ट चेंज, अच्छा। आप डिलीट के क्लिक के ऊपर क्या करेंगे? डिलीट के क्लिक के ऊपर जनाब पूरा कोड मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, अपडेट वाला क्यूरी चेंज होगी। डिलीट की क्यूरी होती क्या है? आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर और वेयर का क्लॉज लगा देते हैं, वेयर मिसाल के तौर पे नेम इक्वल टू मिस्टर ए, तो मिस्टर ए डिलीट हो जाएंगे, अब तो असलम हो गए, सही है। तो आपने यहां भी यही करना है, आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कस्टमर, ये पूरा सेट वगैरह आपका यहां से हट जाएगा, where name equals to listbox1.selectedValue, command connection.open, command.execute, then query सब डिलीट करवाया, अपडेट लिस्ट बॉक्स दोबारा से अपडेट करवा दी, यहाँ पे आपने लिख दिया कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप मिस्टर ई को सिलेक्ट करवाएं और यहां से डिलीट पर क्लिक कर दें,
कह रहा है कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली, गए सही है। आपने लिखा मिस्टर डी को सेलेक्ट किया, आपने लिखा डिलीट पे क्लिक किया, इसने कहा कस्टमर डिलीटेड सक्सेसफुली, डी भी गए। आप भी कर सकते हैं कि एक दफा कंफर्म करवा लें कि हाँ भाई डिलीट करना है कि नहीं करना है, गलती से क्लिक हो गया तो उसका क्या तरीका है। देखें ये जो मैसेज बॉक्स है हमारा, तो एक तो है मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये शो है ना ये ओवरराइड हुआ है, इसकी काफी वैरायटीज है। इसमें आप चाहें तो बटन चेंज कर सकते हैं, जैसे यहां पर अब मैं लिख रहा हूं मैसेज बॉक्स डॉट शो, आर यू श्योर, और जनाब फिर हमने यहां पर कैप्शन में दे दिया कंफर्म, और फिर कॉमा करके मैं लिख रहा हूं मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके कैंसिल। अगर ये बराबर है डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके के तो ये काम करना है। अदरवाइज नहीं करना। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, फाइनल दोबारा से बता दिया, और यू श्योर कंफर्म, अगर ये डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके है तो ये करना है, कैंसिल है तो नहीं करना है। नतीजा ये होगा कि आप जब आप फॉर्म को रन करेंगे, और जैसे चांद मिस्टर चांद को आपने सेलेक्ट किया और डिलीट पे क्लिक कर दिया, तो ये कहेगा आर यू श्योर, कैंसिल करूंगा तो नहीं करेगा, ओके करूंगा तो फिर डिलीट करेगा। तो भाई ये बाय यूजिंग कनेक्टेड अप्रोच हमने ये चार ऑपरेशन डेटाबेस के ऊपर अभी देखे हैं, कौन कौन से, सेट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट। सेलेक्ट में अभी सिर्फ नाम सेलेक्ट करके हमने लिस्ट बॉक्स पे चलाया, ये काम हमने कौन से टेबल पे किया है, कस्टमर के ऊपर। अब जो बाकी टेबल हैं, यानी कि प्रोडक्ट और ऑर्डर और आइटम और शिपमेंट और सप्लायर, इस पे कौन करेगा ये काम, कौन करेगा भाई, कौन करेगा, आप करेंगे और कौन करेगा। तो कस्टमर पे मैंने आपको करके दिखाया है, अब आप एटलीस्ट इस हफ्ते प्रोडक्ट पे भी कर लें, कस्टमर पे तो करना ही करना है। ये काम आप किसके लिए करें, प्रोडक्ट के लिए। अच्छा अब दूसरी बात ये है कि फॉर्म मैंने इस तरह दो बनाए, आप क्या करेंगे, देखिए आपने ये काम करना है वही ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। एक सबसे पहले आप कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर याद है ना, एमडीआई फॉर्म्स बताया था ना, नहीं बताया था, बताया था ना, ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है, 3-4 सदियां गुजरी होगी, हाँ ये ज्यादा गुजर गए। एमडीआई फॉर्म होगा, उसमें ये कि आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं, ऊपर मेन्यूज होंगे, मेन्यू पे क्लिक कर रहे होंगे तो अंदर फॉर्म खोल रहे होंगे, ठीक है। तो उसमें आपने कस्टमर का एंट्री फॉर्म बनाना है, प्रोडक्ट का एंट्री फॉर्म बनाना है, और ये डिलीट अपडेट वगैरह करने के लिए भी काम करना है। तो कस्टमर और प्रोडक्ट से, ये कस्टमर का काम तो ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया, फिर आपने प्रोडक्ट के लिए भी ये काम करना, सही है, ठीक है। पहले हम टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों से, हाँ।